हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, अभी बजे है सुबह के 8 से 8:30 के बीच और मैं एकदम सुबह से तैयारी वैयारी में लग गई खाना वाना बनाने में। कैप्शन आप लोग देख चुके हो और थंबनेल भी देख चुके हो। यस, आज मेरी एक फ्रेंड की वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा बेबी शावर वाला अरेंजमेंट किए हैं, उसके लिए सरप्राइज है। तो सब लोग कुछ कुछ बना के लेके जा रहे हैं, हम लोग जो बंगाली रिचुअल्स हैं उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। तो सब अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं और उसका जो जो फेवरेट है, उसको पसंद है, वो खाना चाह रही थी, मेरे को बोली भी थी, लेकिन क्योंकि वो जॉब भी करती थी तो उसको खिला नहीं पाई, मौका नहीं मिला आज, इसलिए बना के लेके जा रही हूँ। तो सब बंगाली डिश है, कुछ कुछ शायद आप लोगों को उतना समझ में ना आए, बट डोंट वरी, एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मेरा बहुत जो चीज़ मैं लेके जा रही हूँ सब, मतलब मेरा वैरायटीज है ज़्यादा, तो उसको मतलब सुबह 7:15 के आसपास से मैं स्टार्ट भी कर दी हूँ, दिखा भी रही हूँ कि क्या क्या अरेंजमेंट की हूँ। 12 बजे तक जाना है मुझे, वहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन वगैरह भी करना है। तो एक फ्रेंड के घर, मतलब उसी के मोहल्ले में और एक फ्रेंड है हम लोगों की, पिंकी, उसके घर में कर रही हूँ, तो ताकि उसको आने का, मतलब वहाँ से वो इजी वो आने में, क्योंकि एक ही मोहल्ले में है, एंड उसके लिए सब सरप्राइज है। उसको थोड़ा बहुत पता है कि उसको वो फ्रेंड बुलाई है, बट वो अपने तरफ से बुलाई है, पूरा ग्रुप के तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रुप में आज सारे मेंबर्स तो है नहीं, सब 2-3 जन को अपने अलग अलग, कुछ किसी को शादी में जाना है, किसी और जगह जाना है, बट जो लोग अवेलेबल है हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज बंगाली स्टाइल में साड़ी भी पहनूंगी, मजा ही मजा। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और जो लोग नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो गाइज, इसमें है वेजिटेबल्स छोटा छोटा करके काट के रखे, इसमें पनीर भी जाएगा और काजू के, इसमें सब जाएगा, और उससे बनेगा एक दाल वेज। बंगाल में हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, वेज दाल। तो इस दाल में ये सारे सब्जी, काजू के, इसमें पनीर, ये सब डालने वाली हूँ। और इसमें है, ये गरम है, ये है लौकी का पत्ता। तो ये लौकी का पत्ता, इसको पीस के बनाना है एक आइटम, चावल के साथ ही खाते हैं, मेरा तो बहुत फेवरेट है और उसको भी बहुत पसंद है। और ये है कचई, कचई का जो डंडा है वो, इसको मैं बॉईल करके रखी हूँ। इसमें जाएगा ये झींगा मछली, इसको मैं दो हिस्से में काट ली, थोड़ा बड़ा साइज का था इसलिए दो हिस्से में काट ली। इसके साथ इसको बनाना है, आई नो थोड़ा सा आप लोगों को वियर्ड लग सकता है, बट ऑनेस्टली बोलूँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा, और बंगाल में ये चीज़ बहुत पसंद भी किया जाता है। तो गाइज, अभी तक कामवाली दीदी आई नहीं है, बर्तन वर्तन बाहर है, मेरा थोड़ा इधर उधर का काम भी है, शैम्पू वैम्पू करना है, मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कब क्या करूँ, ये तो मैं अभी खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी, नहीं तो लेट हो जाएगा। बस किचन का हल्का फुल्का साफ़ सफाई की हूँ, लेकिन क्योंकि खाना बना रही तो पूरा साफ़ सफाई नहीं होता है, काम करते करते ना क्लीन नहीं रहता उतना, फिर से करना पड़ेगा। काम खत्म कर लूँगी उसके बाद कर लूँगी। और जो कचई है वो टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है, उसको बनाने में इतना कंझट नहीं है, बस टाइम बहुत जाता है। तो मैं सोची अभी उसको चढ़ा दूँगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, और दाल भी चढ़ाऊँगी। और खाने में ना हम लोगों का ऐसा है, चाहे बर्थडे हो चाहे कोई भी चीज़ हो, शुभ चीज़ में खाने में 5 आइटम फ्राई किया हुआ देते हैं, 5 अलग अलग सब्ज़ी। तो मैं आलू और करेला और कुमड़ा और दो आइटम कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है घर में, हाँ भाटा, बैंगन और फूल गोभी, 5 आइटम अलग से फ्राई करूँगी। और दाल बनाऊँगी, और लौकी का पत्ता है जो पीस के एक आइटम बनाना पड़ेगा वो बनाऊँगी। तो 4-5 आइटम ये मेरा है, मैं क्योंकि वो खाने के लिए, मतलब उसको खिलाने के लिए मैं सोची थी बहुत दिन से, उसको अच्छा लगता है करके, वो बोली भी थी एज अ फ्रेंड, यू नो थोड़ा हाँ मुझे ये खिलाना, लेकिन वो घर ही में नहीं रहती थी तो मैं कैसे खिलाऊँ, अभी खिलाऊँगी आज। तो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से काम, बीच बीच में आप लोगों से बात करती रहूँगी। तो गाइस, अभी 10:10 हो गया है, इधर मेरा कुकिंग चल रहा है और 12 बजे तक जाना है, पता नहीं मतलब मैं क्या करूँगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, थोड़ा सा टेंशन में आ गई हूँ। अब देखते हैं कि कितना दूर तक क्या कर पाती हूँ, 12 तो नहीं 12:30 एनी हाउ पहुँचना ही है, उस बीच में नहाना है, तैयार होना है, मैं तो आज गई। अब ये चल रहा है, देखते हैं कि ये कब तक बनता है, आग पे मेरा कंट्रोल नहीं है, क्या ही करें। गाइस ये देखिए मेरा कचई बन गया है, तो उसमें मैं भर ली
एक डब्बा, ज़्यादा नहीं ले पा रही क्योंकि जगह नहीं है। ऊपर में ये फ्राइड बैंगन, जिसको बंगाल में बोलते बैगन भाजा, और ये करेला और कुमड़ा। इधर गोभी हो रहा है, थोड़ा सा बस कर रही हूँ। और ये आलू ऐसे गोल गोल करके फ्राई करूँगी मैं। देखिए बैंगन इतना काट ली, तो अभी इसको मैं सोच रही कि इसको रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी, बाद में इसका यूज़ हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि फिर एक्स्ट्रा लेने से ये एक्स्ट्रा लेके कोई मतलब नहीं है। लोग भी हम लोग ज़्यादा नहीं हैं, और भी एक जन था वो भी कैंसिल हो गया, उनका भी थोड़ा इमरजेंसी आ पड़ी तो इसीलिए कैंसिल हो गया। और तो अभी मैं इसको स्टोर कर दूँगी, और आलू भी सोच रही इतना सारा लूँगी या नहीं लूँगी, ये सोच रही हूँ मैं। ये देखिए मेरा दाल बन गया, और इसमें अब एक बड़ा चम्मच घी डाल दी। बस ये घी का जो स्मेल आएगा, वैसे तो कभी कभी धनिया पत्ती मैं नहीं डालती, बस घी डालती हूँ तो और कुछ नहीं डालती, मुझे घी का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा पसंद है। बट धनिया पत्ती भी डाल दी क्योंकि सीजनली है और ये धनिया पत्ती घर का है तो डाल दी। तो गाइस 12 बजे तक जाना था, अभी 12 बजने वाले हैं, और जस्ट मेरा खाना अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा एक आइटम बचा है क्योंकि मेरा इतना सारा आइटम अलग अलग था तो इसलिए बनाने में टाइम लग गया। मैं अभी छत पे आई हूँ क्योंकि मुझे तो एक्चुअली मेरा कभी हुआ नहीं गोद भराई वगैरह, तो मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है। तो मेरी फ्रेंड बोली है कि फल देना होता है उसमें, तो अचानक से हम लोग मार्केट भी नहीं जा सकते, तो मैं बोली ठीक है सब जुगाड़ करते। तो मेरे घर में भी जो फ्रूट है, एक दो फ्रूट है, मैं वो लेके जा रही हूँ, ये स्टार फ्रूट, और देखती हूँ कि क्या है, तो घर से वही लेके जा रही हूँ। अभी ड्रैगन फ्रूट तो है नहीं, और बाकी जो फ्रूट है इधर अनार है, लेकिन थोड़ा कच्चा कच्चा, एक थोड़ा फटा, लेकिन स्वाद नहीं है इसमें। देख लेती हूँ, इसको तोड़ लेती हूँ। ये देखिए ये अनार, इसको तोड़ के ले जाती हूँ, देख लेती हूँ घर का है जैसा भी हो, है ना। लेकिन इसका बस दाना ना, दाना छोटा, अंदर का बीजा बड़ा, ऐसा है। बी ही लेके जाऊंगी। इधर देखिए पके पके से है, दिख रहा है ना, पके पके हैं, तो इसमें से एक लेके जाऊंगी। मेरा बस एक लास्ट आइटम बन रहा है। एक्चुअली मेरा जो जो आइटम था ना, बहुत टाइम वाला आइटम था, मतलब बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। 5 अलग अलग आइटम हैं, फ्राइड वाला, दाल है वो भी नॉर्मल वाला नहीं, वेज, उसके लिए अलग से फ्राई करके पूरा वेजिटेबल्स डालना होता है। उसके बाद जो कचई, उसमें झींगा मछली डाल करनी थी, वो भी बहुत टाइम लगा, लगभग 1 घंटा उसमें लगा। और अभी इसको पैकिंग वैकिंग करना है, ज़्यादा हाल ख़राब हो रहा है। मेरे इधर घर के करेले के झाड़ में 2-4 करेला भी हुआ है, तो सोची फ्रेंड के लिए लेके जाऊंगी, तो हड़बड़ी में आ गई हूँ फिर भी कि लेके ही जाते हैं। ये देखिए जितना भी है, तोड़ने का भी नहीं बन पा रहा है मेरे से, दो ही दिख रहा है अभी, और इधर। तो गाइज अभी नहा के निकली हूँ, और 12:30 बज गए, तो अभी मैं 10 मिनट में रेडी होकर निकलने वाली हूँ। कोई तैयारी कुछ नहीं करूँगी, मतलब ज़्यादा श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं, बस साड़ी पहनूंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी और निकल जाऊँगी, मेरे को बहुत लेट हो गया है। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, 1 बजने वाले हर मैं निकल रही हूँ, और मेरे घर की हालत देखिए, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिल्कुल टाइम नहीं। और मैं कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं की, मैं बस साड़ी पहनी हूँ, और साड़ी के साथ कुछ ज्वेलरी नहीं पहनूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये सब फेक है वैसे, हाँ कोई सोने होने का नहीं है, तो ये पहन ली, और सिंदूर लिपस्टिक कुछ नहीं, बाकी फेस वेस पे कुछ नहीं, जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा वो मोबाइल के फिल्टर का कमाल है। तो मैं निकल रही हूँ ताला वाला लगा के, फिर पहुँच के बात करती हूँ। फ्रेंड के घर आ गई है, हम लोग की तैयारी शिकारी चल रही है, मैं तो भूल ही गई थी, पीछे सब कुछ चल रहा है, हम लोग इधर डेकोरेशन कर रहे हैं, और इधर सब चल रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, मैं इधर थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो हम लोग अभी डेकोरेशन कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा डेकोरेशन है। आई होप कि फ्रेंड हमारी खुश हो जाएगी, हम लोग इतना मेहनत की है। मम्मी ये मेरे को देख कर मेरे को मुँह में पानी आ रहा है। आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। गाइस ये है हम लोगों का डेकोरेशन, हम पांचों ने मिलके ये डेकोरेशन की, और क्या क्या आइटम है वो भी मैं बता रही हूँ, क्या क्या आइटम है वो भी जानना जरूरी है कि क्या क्या आइटम है। तो ये है
मैं ना सब बंगाली में ही बताऊंगी आज जो जो नाम है बंगाली नाम है ना। और ये भात, ये आलू फ्राई, और ये कुमड़ा, और ये क्या है कॉलीफ्लावर फूल गोभी, बैंगन और करेला, ये पाँचों फ्राइड। फिर इधर से ये है फिश पूरी, ये कोचू साग, और ये मिक्स वेज दाल, ये चटनी मीठी चटनी, ये रसगुल्ला गुड़ वाला, ये पायस मतलब खीर, और ये लौकी के पत्ते का एक आइटम है बंगाली लोग जानते हैं, ये मछली का मुंडी इसको देना पड़ता ही है, पांच अलग तरीके का मिठाई, इधर चिकन और सलाद, और इधर क्या है इसको पापड़, और मीठा दही आने वाला है, उधर फल है बस। तो आज अभी फ्रेंड को फोन करने वाले हैं, तो उसको तो पता नहीं है, तो उसके लिए सरप्राइज है, वो फोन फोन करेंगे और देखते कब आते हैं, और उसका एक्सप्रेशन सब कुछ कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश होगी और आपको दिखाएंगे। अरे बच्चा पार्टी रियो, और हमारी बच्चे पार्टी के साथ बड़ा पार्टी, और ये मीठा सा बच्चा, मीठा सा बत्ता पार्टी। हाय करो, हाय हाय हाय। साड़ी ठीक कर ले। हाँ
अपना रिव्यू दे दो थोड़ा थोड़ा। खाने के बाद अच्छे से रिव्यू सबको देने वाली हूँ, सोच के रखी हूँ। अच्छा सोच के रखिए, पहले सब कुछ खा लेती हूँ। अरे सब कुछ फिनिश करना है, देख सब कुछ फिनिश करना। वो मछली का मुंडी जो है उसको पूरा खाना। बहुत ज्यादा खाई हूँ, ऐसा तो लग रहा था गुदभरा ही मेरी हो गई है। इतना आइटम खाई, इतना आइटम खाई हूँ, साथ में लिपस्टिक भी खा ली। लिपस्टिक भी नहीं है, लिपस्टिक भी खा ली। और अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है। इवन हम लोग जो जो लाए थे सबका सब कुछ ख़त्म भी हो गया है। हम लोग एकदम खाने वालों में से है, तो इसलिए सब ख़त्म। फिर खाली डब्बा क्यों लेके जाए, इसलिए सब अपना मिष्टी और मिठाई, रसगुल्ला, पायस, ये सब मतलब खीर, ये सब चीज़ अपना पार्सल करके खाली डब्बे में लेके जा रहे हैं। इवन मैं भी, इंक्लूडिंग मी। तो अभी हम लोगों का पार्टी ओवर, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। ये गुंडी है, देखिए ऐसी करने जा रही है कहीं। देखिए ना मुंह पूरा ढक के, पता नहीं किसके घर में डाका डालेगी। डर लग रहा है जमानों से, अपने ही घर में डालेगी अपने। मैं इतनी हस्बैंड क्या कर डालेगी, इतनी सुंदर हूँ मैं क्या कर रही हूँ। हम लोग अभी निकलने वाले हैं, लगभग हो गया। तो इधर से मैं एक जल्दी घर जाऊंगी। मैडम हमारी खुश, बहुत खुश खुशी लग रहा है, खुशी से फील हो रहा है एकदम। मेरे लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट, और क्या बोलते, मैं कभी भूल नहीं सकती, इतना अच्छा था। बस तुझे अच्छा लगा, तेरे लिए इतना कुछ, तेरे लिए इतना कुछ खुशी हुई, हम लोग और खुश। देख तभी ज़्यादा खुशी होती है कि किसी के लिए कुछ करो और उसको वो चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस भी समझ में आए और उस चीज़ से वो खुश भी हो, तो तब ज़्यादा खुशी होती है। हमारी मैडम जी काम करती जा रहे हैं बेचारी। तो गाइस कुछ देर पहले घर आ गई थी, बट मैं भूल गई, लाइक मैं अपने कामों में एक्चुअली था नहीं। मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी और ऐसे ही बस मोबाइल लगे थोड़ी देर पड़ी थी, और इतना नींद आ रहा था। आज कहीं जाऊंगी नहीं, लेकिन कामकाज बहुत है। थोड़ा सा सोच रही हूँ कि घर का थोड़ा सा हालत ठीक कर लूँ। आज बहुत ज़्यादा इसमें उलझी थी तो नहीं कर पाई। उस बीच में रियो अपना एक और कांड करके बैठी थी। मिर्ची पकड़ी पहले, फिर मिर्ची को तोड़ी, मिर्ची का बीज लेके पता नहीं क्या क्या, फिर ना वो अपने आँखों के साइड में पता नहीं ऐसे उसका उंगली चला गया, और फिर जलन बहुत देर तक बेचारा रोया बहुत। मैं जितना अपने से पानी वानी डाल के थोड़ा कि अभी थोड़ा सा ठीक है, और मैं बैठी हूँ। आज इतना ज़्यादा खाना वाना खा ली रात का, ऐसा लग रहा है कि रात का खाना खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, शरीर का लग रहा है। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही, और वीडियो जिन जिन लोगों को अच्छे लगे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना, और शेयर करना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना हम लोग सब कैसे लग रहे थे, मेरी फ्रेंड का जो रिएक्शन कैसा लगा, और पूरे ब्लॉग में कुछ भी ओपिनियन देना हो दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बाय।